guys, welcome back to our channel, The Vibrants. After so long, we are back to explore the delicious food of Pune and share the reviews with you. So, aaj hum log aaye hain Sukanta Thali, which is a very famous unlimited veg thali restaurant. And yahan pe hum log almost 12:30 baje aaye hain and already yahan pe waiting start ho gayi hai. It's a very famous unlimited thali restaurant. I think yahan pe 400 rupees per person hai. So, yahan pe entry ke payment ki ek different method hai. So, when you just come here, वहाँ पे उनकी जो हेल्प सपोर्ट टीम है वहाँ पे रहेंगी. यू जस्ट हैव टू टेल हाउ मेनी पीपल यू आर एंड वैसे 400 रुपीज पर थाली है. सो टेल द काउंट एंड यू हैव टू पे द बिल देयर ओनली बिफोर गोइंग इनसाइड एंड देन यू कैन गो इनसाइड एंड एंजॉय योर फूड. सो लेट्स चेक हाउ इज दिस प्लेस. सबसे पहले यहाँ पे आया है, आई थिंक वेलकम ड्रिंक है ये. एंड उसके साथ उन्होंने दिया है ये एक एनवेलप जिसके अंदर आई थिंक स्पून्स है. यस, स्पून्स एंड सम टिश्यूज दे हैव सर्व्ड अस. आई थिंक दिस इज अ माउथ फ्रेशनर जो हम बाद में खाएंगे. ओके, तो ये जो थाली है, एज आई कैन सी इसमें स्टार्टर्स है एंड फिर तीन टाइप की वेज सब्जीज है. वन दाल, वन कढ़ी एंड टू टाइप्स ऑफ स्वीट्स. उसके साथ सैलड वगैरह भी सर्व हुआ है. एंड यहाँ पे मैंने एक्चुअली, दिस इज समथिंग कॉल्ड पूडा. सो लेट्स स्टार्ट विद द वेलकम ड्रिंक फर्स्ट. ये मेरे को कैरी पानी जैसा लग रहा है. लेट्स टेस्ट इट. इट्स रिफ्रेशिंग. मिंट, पुदीना और उसके ऊपर उन्होंने थोड़ी सी बूंदी भी डाली है. पानी पूरी का पानी टाइप लग रहा है. जल जीरा वाटर समथिंग लाइक दैट. इट्स वेरी रिफ्रेशिंग. सो अभी ये हम लोग ये वेज लॉलीपॉप जो यहाँ पे स्टार्टर्स में आया है वो चेक करते हैं. आई थिंक ये वेज लॉलीपॉप के ऊपर ना कोई तो भी सॉस लगाया हुआ है. लेट्स चेक इट. इट्स नाइस. इसमें आई वॉज एक्सपेक्टिंग सम चॉप्ड वेजिटेबल्स बट इसमें मेरे को ज़्यादा आलू लग रहा है. एंड इट्स नाइस बट इट इज नॉट द बेस्ट वेज लॉलीपॉप आई हैव हैड. नेक्स्ट आई विल बी ट्राइंग दिस दही वड़ा. लेट्स ब्रेक इट थ्रू. बहुत अच्छे क्वांटिटी में दही यूज किया है. लेट्स चेक हाउ इट इज. जो फर्स्ट मेरे को यू नो फ्लेवर आया ना, दैट वॉज ऑफ इलायची. एंड वड़ा काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है. जो दही जो है दैट इज़ नॉट टू खट्टा, स्लाइटली ऑन द स्वीटर एंड. एंड दे हैव टॉप सम रेड चिली, थोड़ा सा रेड चिली छिड़का है विद कोरिएंडर ऑन इट. सो द नेक्स्ट डिश आई एम एक्साइटेड टू ट्राई फॉर इज दिस हुडा. तो ये जो हुडा है ना, आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस टाइप ऑफ स्टार्टर और स्नैक्स इन एनी वेज थाली. और ये बहुत रेयर डिश है एंड बहुत ऑथेंटिक डिश है ये. सो लेट्स चेक दिस हुडा आउट. इसमें ना उन्होंने आई थिंक कोकोनट को ग्रेट करके डाले हुआ है थोड़ा सा. यस, कोकोनट है. हल्का सा ड्राई है बट आई डोंट हैव, आई एम नॉट ईटन सो मेनी हुडा टाइप्स. I don't know exactly how this tastes, but this is tasting very nice. यहाँ पे जो मेन कोर्स है वहाँ पे ये बाजरी की भाकरी एंड विथ सम गुड़ एंड दही दिया है. तो ये हम बाद में ट्राई करेंगे. पहले जो यहाँ पे सारी वेज डिशेस आई हुई है, वेज सब्जीज और ग्रेवीज आई हुई है, लेट्स स्टार्ट विद दैट. तो रोटी में ब्रेड्स में इन्होंने सर्व किया है पालक पूरी, दिस फुलका जिसमें उन्होंने बहुत ज़्यादा घी डाला था, एंड दिस बाजरी की भाकरी विथ सम गुड़ ऑन इट. सो पहले मैं ये रोटी को, दिस इज पनीर बटर मसाला. आई एम जस्ट टेस्टिंग इट. ओ दिस पनीर लुक सॉफ्ट मैन. आई एम एक्सपेक्टिंग दिस टू बी नॉट स्पाइसी बिकॉज दिस इज पनीर बटर मसाला. हम्म,
पनीर बटर मसाला इज नॉट सो स्वीट बट ये काफ़ी ज़्यादा टेस्टी है. इसमें ऑनियन टोमेटो पेस्ट ग्रेवी यूज़ की गई है, कोरिएंडर है, कुछ मसालेज है, बट द मसालाज आर नॉट ओवर पावरिंग. नेक्स्ट आई विल बी गोइंग विद दिस पूरी. वाला पूरी तो काफ़ी ज़्यादा ग्रीन लग रही है, दैट वाइब्रेंट ग्रीन कलर मैन. एंड द नेक्स्ट सब्जी विच इज सर्व्ड हियर इज दिस नवरत्न कुरमा. ये एक टाइप ऑफ मिक्स वेज यू कैन सी, बिकॉज आई कैन सी बीन्स है इसमें, मटर है, गोभी है. आई पर्सनली डोंट लाइक सब्जीज ऑन द स्वीटर एंड एंड आई एम वेरी इम्प्रेस कि मेरी दोनों की जो सब्जी थी वो मीठी नहीं थी, बिकॉज आई एम अ प्रॉपर महाराष्ट्रियन एंड वी लाइक स्पाइसी फूड. तो ये सब्जी भी बहुत टेस्टी है. इसमें इट्स अ मिक्स वेजिटेबल यू कैन से, बट दे हैव एडेड देयर ट्विस्ट टू इट. बीन्स है, बहुत सारी सब्जियाँ हैं. सो नेक्स्ट आई एम गोइंग विद दिस आलू अनियन. इसमें मेरे को अनियन तो दिख रहा है बट आई थिंक आलू नहीं है इसमें. आई टेक वन मोर बाइट. लॉट्स ऑफ कोरिएंडर. जो पहला ऐसा हिंट आया ना वो फ्रेशली चॉप्ड कोरिएंडर का इसमें यूज हुआ है. अनियंस बहुत अच्छे से कुक हुए हैं. तो नेक्स्ट यहाँ पे है ये भिंडी. सो दिस इज आई कैन सी अनियंस इन इट. हल्का सा उसमें अच्छा सा तड़का मारे हुआ है. दिस इज अ सिंपल वेज भिंडी की सब्जी विद लॉट ऑफ फ्लेवर्स यू कैन सी. वाओ मैन. एक चीज़ है इनके ग्रेवीज में, जो सारी सब्जियाँ हैं ना सबकी टेस्ट डिफरेंट डिफरेंट है. कंसीडर पनीर, कंसीडर दैट वेज, मिक्स वेज एंड आलू मटर, आलू ऑनियन, सबकी टेस्ट अलग अलग है एंड आई एम रियली एंजॉइंग इट. सो कढ़ीज में दे हैव सर्व दिस मारवाड़ी कढ़ी, जिसको मैं ऐसी स्पून के साथ खाना चाहूँगी. नहीं भैया थैंक यू. कैसा मस्त ऐसा खट्टापन है उसमें. इसमें इसको राई का तड़का यूज़ किया गया है, राई का तड़का दिया है, कोरिएंडर वगैरह में है एंड इसका कलर भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा दिख रहा है एंड इट्स क्वाइट टेस्टी. इसको राइस के साथ खाने में मज़ा आएगा. सो राइस में वेराइटीज़ ऑफ राइस में उन्होंने सर्व किया है, नॉर्मल वाइट राइस एंड दिस इज़ मसाला राइस. तो सबसे पहले हम जो दाल है दाल को खाते हैं विद दिस राइस एंड दे हैव टॉप वन बिग स्पून ऑफ यू नो घी ऑन दिस राइस. लेट्स डिग इनटू इट. दिस दाल इज अ सिंपली प्रिपेयर्ड दाल. तड़का इसमें राई का तड़का लगाया है एंड टमाटोज है. दाल इज गिविंग मी अ होमली फीलिंग. मुझे ये मसाला राइस आया है फाइव, इट्स ए नाइस ग्रीन कलर. इन दिस मसाला राइस दे हैव एडेड ग्रेटेड कोकोनट है इसमें. सो दिस बाजरी भाकरी दिस गुड. दिस इज अ कम्फर्ट फूड यू कैन से फॉर मैनी पीपल. बहुत लोगों को ऐसी रोटी के साथ या फिर भाकरी के साथ गुड़ खाने में बड़ा मज़ा आता है. सो दिस इज़ अ कम्फर्ट फूड. नाउ इज़ द टाइम फॉर डेजर्ट. तो डेजर्ट में दे हैव सर्व दिस सीताफल रबड़ी एंड दिस इज़ अंजीर रोल. सो आई स्टार्ट विद दिस अंजीर रोल फर्स्ट. यू डेफिनेटली गेट द टेस्ट ऑफ अंजीर इन इट. नाइस मिठाई, नॉट सो स्वीट. नाउ लेट्स गो विद द लास्ट टीप. मैन आई जस्ट कांट स्टॉप ईटिंग इट.
मेरे लिए इसमें सबसे अच्छी चीज़ ये है कि इट इज़ नॉट सो स्वीट. आई एम नॉट अ यू नो स्वीट पर्सन. आई लाइक माई फूड टू बी स्पाइसी. जो सीताफल के चंक्स हैं वो भी है. सो ओवरऑल आई लव दिस थाली. यू नो आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग इट टू बी दिस गुड बट आई लव इट. सो नाउ आई विल बी एंजॉइंग एंड कंप्लीटिंग माई थाली. सो आई विल सी यू लेटर. I was expecting this water to be warm and it is warm. Thank you so much. यहाँ तक खाना खा लिया है. बाप रे, was very yummy, very tasty and price के हिसाब से worth it. एक्चुअली थाली का जो ट्रेडिशन है ना, सो इसका ये अच्छी चीज़ है कि यू नो इन 400 रुपीज यू गेट अ कम्प्लीट मील, स्टार्टर्स, डेजर्ट, मेन कोर्स वगैरह. एंड आई लव द सब्जीज. इट वॉज अ वेरी नाइस संडे लंच फॉर मी. आई हैड अ ग्रेट टाइम. होप यू लाइक द वीडियो एंड डू लेट अस नो दैट इफ एनी अदर रेस्टोरेंट यू वॉन्ट अस टू रिव्यू, वी वुड लाइक टू एक्सप्लोर इट. दैट्स इट फॉर टुडे. थैंक यू.